नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 3 की कार्य पुस्तिका गणित साथी इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज अपन कार्यपत्रक 5 के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यपत्रक 4 और 3 के बारे में पिछली कक्षाओं में अपन ने बातचीत कर ली थी। कार्यपत्रक आज 6 के बारे में अपन बातचीत करेंगे। कार्यपत्रक 6 के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यपत्रक 4 और 5 के बारे में पिछली कक्षाओं में जब अपन ने बातचीत की थी तो उसमें अपन ने सीखा था कि किस प्रकार से किसी स्केल पर संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है, या किन्हीं संख्याओं को स्केल पर किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, या स्केल पर संख्याओं को किस प्रकार से ढूंढा जा सकता है। इन सभी के बारे में पिछली कक्षाओं में अपन ने बातचीत कर ली थी। आज की इस कक्षा में अपन क्या करेंगे कि 1 से 999 तक की संख्याओं को पढ़कर उनको सही सीक्वेंस पे किस प्रकार से शब्दों में लिखा जा सकता है, उस क्रम में उनको मैच करेंगे। चलिए, विद्यार्थी अपना नाम जो है ऊपर ही ऊपर विद्यार्थी अपना नाम लिख सकते हैं और दिनांक आज का, जैसा कि जो है वो मैं आज इस 30 नवंबर को इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, तो 30 नवंबर का मैंने डेट लगा दिया है, 30/11/2020। आप जिस भी डेट को इसको कंप्लीट करें या देखें उस डेट को ही इस पर डेट लगाएं। चलिए चलते हैं। अपने को क्या करना है, संख्याओं को पढ़कर उनका मिलान करना है। ठीक है, संख्याओं को पढ़ते हैं सबसे पहले, तो फिर उनका मिलान करते हैं। तो देखिए संख्याएं क्या क्या है, 130 फर्स्ट वाली संख्या है ना, फिर 325, फिर 409, फिर 290, फिर 305, 189 है ना, 189, और फिर 456, फिर इसी टाइप से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा मैं इसको, तो ये सारी की सारी संख्याएं आ जाएगी अपने पास। हाँ, एक संख्या तो भी दब रही है, चलो फिर 456, 297, 548, 736, 625, 832 और 956 करके लास्ट में है। तो चलिए मिलाना स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले पहली संख्या जो है 130, उसको यहाँ पर ढूंढो। 130 कहाँ लिखा हुआ है, 305 लिखा हुआ है, 189 लिखा हुआ है, 456 लिखा हुआ है, 297 लिखा हुआ है, 325 लिखा हुआ है, 130। तो 130 को 130 से इधर मिला दिया, ये अपने को पहले ही मिला के दिया हुआ था, तो ये पहला इन्होंने खुद ने ही कंप्लीट करके दे दिया है। अब अपने को करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना काम। 325 कितना है, 325 ढूंढो यहाँ पे, 325 है क्या, 305 है ये, 189 है, 256 है, 297 है, 325, ये इस नंबर पे 325 आ गया है। तो इस नंबर पे मैं थोड़ा सा ये पहले निशान कर देता हूँ और अब इसको 325 से मिला दिया जाता है, ये अपन ने 325 से मिला दिया है। ठीक है, अगले वाला नंबर जो है वो 409 है, कितना है, 409, तो 409 ढूंढिए, 305, 189, 456, 409 चाहिए अपने को, है ना, 409 ये आ गया, 409 ये 409 एक लाइन लगा दीजिए यहाँ पे, फिर 409 की यहाँ पर इस टाइप से 409। ठीक है, 409 को मिलाने के बाद आगे की जो संख्या है, क्रम में जो संख्या आ रही है उसके बारे में बात करते हैं, वो है 290, कितना है, 290, तो ढूंढो 297 है ना, 290 ये रही, 290, तो इसको यहाँ से 290 को मिला देते हैं, ये 290, ये 290। ठीक है, अब आ जाते हैं 305, कितना आएगा, 305, तो ढूंढना स्टार्ट करो ऊपर से, तीन ये पहले ही आ गया 305, तो इसको मिला दीजिए ऐसे, 305 ये रहा, ये 305 को इससे मिला दिया है। अब आ जाते हैं 189, 305 हो गया, 189 यहाँ आ रहा है, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, 189 को इस टाइप से मिला दिया है, 189। फिर आ जाते हैं 456, दो तो हो गए, 400 ये तीसरे नंबर का ही 456 है, तो इसको भी यहाँ से मिलाने का काम कंप्लीट कर लीजिए, ये हो गया 456 है ना, इस टाइप से अपन मिलाते जा रहे हैं। फिर 297 भी देखो यहीं पर आ रहा है क्रम से ही, ये 297, ये 297। ठीक है, अपन ने यहाँ तक मिला दिया 297 तक, अब अपन आगे चलते हैं 297 के बाद।
548, ठीक है, ये यहाँ तक की सारी संख्या मिल चुकी है, तो यहाँ नीचे ही ढूंढिए 548 है ना, 500 वाली लाइन 548, ये रही 548 को यहाँ से मैच कर दीजिए आप, ये 548 को मैंने मैच कर दिया है। 736, 700 ढूंढिए, 600, 900, 800, 700, ये रहा 736, तो 736 को यहाँ से मिलाकर अपन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आता है 625, 625 देखो यहाँ से ढूंढो, ये पहला ही है 625, इस पर ये 625 है ना, तो यहाँ से 625 अपन ने ढूंढ के मिला लिया है, ठीक है। फिर देखिए 832, 800 ढूंढो, 900 है ये, 800 ये रहा है ना, तो ये सीधा सा इसके पास आ गया है। फिर आता है 956, 956 एक ही बचा हुआ है, ये रहा 956 है ना, एक ही बचा हुआ है, तो इसको भी अपन मिला लेते हैं। यहाँ पर ये अपना वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो गया है, 956 को भी अपन ने मिला लिया है। तो कार्यपत्रक 6 जो है अपना यहीं पर समाप्त तो होता है। अपन ने संख्याओं का ज्ञान के बारे में समझा, संख्याओं को, लिखी हुई संख्याओं को पढ़कर उनके शब्दों के रूप में उनसे मिलान करना सीखा इस वाले कार्यपत्रक में, ठीक है। यहीं पर वीडियो को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद देखने के लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।